हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी हेल्दी रेसिपी जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी की शुरुआत। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल में एक कटोरी बेसन और कुछ कटी हुई सब्जियाँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार कोई भी सब्जी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है कुछ कटे हुए पालक, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और थोड़ी सी हरी मिर्च। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और एक स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला एक बैटर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी वेट लॉस रेसिपी है जिसे अगर आप किसी भी एक डाइट में शामिल करेंगे तो आपको 15 दिन के अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग वर्किंग है वो इसे अपने टिफिन में भी कैरी कर सकते हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब 10 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे और इसमें मिलाएंगे थोड़े से मसाले। तो मैंने यहाँ पर मिला दिया है नमक, मिर्ची, अजवाइन और गरम मसाला। आप अपने अनुसार कोई भी मसाले को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको लगता है कि बैटर ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। तवे को मैंने कर लिया है गरम और उसे कर दिया है अच्छी तरह से ग्रीस। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस बैटर को अच्छी तरह से फैला लेंगे और चीले का शेप दे देंगे। इसे बनाना जितना आसान है खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। वर्किंग वूमेंस के लिए झटपट बनने वाली रेसिपी का एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कहीं भी तेल का यूज़ नहीं किया है, फिर भी दोनों तरफ से देखिए कितना अच्छा कुक हुआ है। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है अब हमारा मिक्स वेज बेसन का चीला। तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। इसे मैंने एक धनिया और पुदीना की चटनी के साथ सर्व किया है। फ्रेंड्स, आप इस तरह की हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आपको वहां पर और भी रेसिपीज मिल जाएंगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।